नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, मेरे साथ चेतन जी हैं, मदन जी हैं, लॉर्ड्स की ये जानी पहचानी बालकनी है। लेकिन अभी इससे पहले कि हम आपको पूरा क्रिकेट का मामला समझाएं कैसे इंग्लैंड अपने एक के बाद एक झूठ में फंसता जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, जडेजा एंडरसन विवाद पर 1 अगस्त को अब जिमी एंडरसन की सुनवाई होगी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गॉर्डन लुइस ने उनको ये बताया कि आपके खिलाफ लेवल 3 चार्जेस हैं, आपका डिफेंस क्या है, आप पर यह इल्जाम लगा है और 1 अगस्त को सुनवाई होगी। इसी में यह भी है कि जडेजा के खिलाफ लेवल 2 इंक्वायरी जो है वो अब मैच रेफरी डेविड बून करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारतीय खेमे ने, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कमर कस ली है। नॉटिंगम से यह खबर आई कि ट्रेंट ब्रिज मैदान पर सीसीटीवी कैमरा तो था लेकिन उस वक्त चल नहीं रहा था। इस पर भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है अपने वकीलों के साथ बैठी हुई है और भारत इस मामले को उठाएगा, क्योंकि भारत ने इल्जाम लगाया था कि जडेजा को पुश किया था, धक्का दिया था जिमी एंडरसन ने ड्रेसिंग रूम में जाते वक्त। और आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के तहत हर मैदान में, हर ड्रेसिंग रूम के पास सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, यानी कि भारत इस बात को जानता था कि सबूत उनके पास होगा, फुटेज में वो पूरा का पूरा जो वाकया आएगा। लेकिन नॉटिंगम शर काउंटी क्लब ने यह कह दिया कि सीसीटीवी चल नहीं रहा था। ऐसे में चेतन जी, आप तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं, डीडीसीए से जुड़े हुए हैं।